आपने भी था खाली दो टी ट्वेंटी खेले आ, इसकी क्या वजह यार माशाल्लाह जबकि ओडीआई में आप नंबर बैट्समैन इन द वर्ल्ड सर बाबर जगह ही नहीं देते किसी को जैसे <laughs> <laughs> जैसे हम जैसे हम मंडे में जगह नहीं देते इस तरह बाबर रिजवान जगह ही नहीं देते टी ट्वेंटी में और इस तरह होना चाहिए हेल्दी कंपटीशन आपका होना चाहिए जैसे मैं वनडे और टेस्ट पिछले छह साल से खेल रहा हूँ टी ट्वेंटी में टीम में मिलता हूँ होता हूँ प्लेइंग इलेवन में नहीं होता क्योंकि जब आपके दो ओपनर्स जिसका एक जैसे बाबर नंबर थ्री पे है टी ट्वेंटी में रिजी फोर फाइव पे है तो जब आपकी वर्ल्ड रैंकिंग में तो बहुत हेल्दी कंपटीशन हो जाता है अब आप देखें काफी सारे ओपनर्स है जो मिडिल ऑर्डर खेलना चाह रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि ओपनर्स में शायद चांस नहीं है इसी तरह वनडे में भी है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सुन के बींग एज एन ओपनर के शायद जब हम पहले क्रिकेट में सोचते थे तो हमारा एक ये वीकनेस समझी जाती थी कि हमारे पास ओपनर्स नहीं थे जब जाओ तो दस पे तीन आउट है तो वो एक अब हमारी स्ट्रेंथ बन गई है तो मैं काफी प्राउड फील करता हूँ इन दी एंड मुझे खुशी होती है कि यार हमारा हेल्थी कॉम्पिटिशन है वो भी ऐसी जगह पे जो सबसे ज्यादा पाकिस्तान की वीकेस्ट पॉइंट समझा जाता था ओपनर्स

देखिए बहुत सारी वजह होती हैं मगर ऑब्वियसली ये है कि जिस तरह बाबर और रिजी परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो अभी इस वक्त मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी इस वक्त जो ओपनर है वो जितना मर्जी अच्छा परफॉर्मेंस दे दे कि वो बाबर और रिजी को टारगेट कर सके पिछले दो साल से हमारी टी ट्वेंटी की टीम को बहुत ऊपर लेके गए हैं हम फाइनल रहे? खेले हैं और सेमीफाइनल भी खेले हैं वर्ल्ड कप का एशिया कप का फाइनल खेले हैं तो उनकी बहुत सारी सर्विसेज हैं पिछले दो साल से जिस वजह से पाकिस्तान की टीम टी ट्वेंटी में बहुत अच्छा कर रही है तो मेरा किसी ओपनर की भी जगह नहीं बनती बट वैसे डू यू लाइक

हमने देखा भी है कि काफी प्लेयर्स जब पी में परफॉर्म करके पाकिस्तान टीम में आते हैं तो काफी लोग ऐसा लगता है कि यार ये वो प्लेयर ही नहीं शायद खेल ऐसे रहा ही है क्योंकि इज एट द प्रेशर अगर आप मेरे से पूछेंगे पर्सनल एक्सपीरियंस तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा प्रेशर होता है बेसिकली आपका पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड है फिटनेस का एक इमोशंस का एक प्रेशर मेंटल 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 स्टेबल होना बहुत जरूरी है इस चीज में भी कि आपको मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है आपकी जब दो से तीन इनिंग्स फेल हो जाते हो आप पाकिस्तान के साथ जब खेलते हो इंटरनेशनल में आपको आपको पता है फिर आपको क्रिटिक्स का सामना करना पड़ता है फिर बड़ा मैटर करता है कि आप तीन इनिंग्स के फेल होने के बाद आप अपनी चौथी इनिंग्स के लिए जब आप स्टेप इन करते हो आप किस फ्रेम ऑफ माइंड में जा रहे हो वो फिर आपका सही देखाती है कि आप मेंटली कितना स्ट्रांग हो hmm. वो हमें शायद पी में हमें नहीं होता hmm. क्योंकि क्या आते है आपको पता है दस मैचेस हैं और hmm. अगर आज आप कोयटा से खेल रहे हो तो अगले साल शायद जलमी से खेलोगे ah. जलमी से नहीं तो इस्लामाबाद से खेलोगे और वो एक घर का एक, एक ah. ऐसा लगता है कि मेरी फ्रेंचाइज तो है ना hmm. तो वो प्रेशर आप कभी भी नहीं लेके आ सकते क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं है जैसे ही इंटरनेशनल क्रिकेट में आप स्टेप इन करते हो तो वो ऐसा लगता है कि बॉल वन से कुछ और गेम है तो ये बड़ा फर्क है तो उसको मिस इसलिए जरूर करते हैं कि पीएसएल में फन एलिमेंट बहुत ज्यादा होता है

आप बड़े प्रैंक्स करते हैं अपने टीममेट्स के साथ ये बात सच है या नहीं है सच बिल्कुल सच है आप तो खैर बड़े हो गए अब तो मैं दो साल से वो इमाम लग रहा ही नहीं जो पहले था लेकिन जी इमाम ये बताएं बाकी बात है छोड़े दो साल में वो मामूला क्यों नहीं रहे आप क्या हुआ है वो मेरी अम्मी कहती है बड़े हो जो